SRS एयर बैग आपको देखने मिलता है, तो इसका टैग भी यहाँ पे अपना लगा हुआ है। इस कपड़े की लाइफ टाइम आपको वारंटी देखने मिल जाती है। सीट कवर में बैठ के देखा कंफर्ट ऐसा फील हो रहा है जैसे घर पे सोफे पे बैठे हो अपन। अगर आप देखोगे ना तो अपना कनेक्टिंग टेल लैंप कुछ इस टाइप से आपको फ्लोट करता हुआ नजर आएगा, और रिफ्लेक्टर का सेटअप भी अपना इस टाइप से फ्लोट कर रहा है। बीकानेर से कितना किलोमीटर पड़ता है? 600 किलोमीटर ना, मतलब की आंखें बंद करके आ सकते हैं। हम तो पहली बार आए सीधा आपके पास है, आपने बिल्कुल कंफर्ट एकदम बढ़िया फैंटास्टिक काम। क्या कॉस्टिंग है? वेलकम बैक टू चैनल गाइस, कैसे हैं आप सब, स्वागत है कोई नई वीडियो में। जब से मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करी थी किया सोनेट से रिलेटेड, तो आप में से बहुत सारे भाइयों ने बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि भाई किया सोनेट के अंदर एयर वे वाली सीट को किस तरीके से आपने इंस्टॉल किया, उसकी फिटमेंट क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से सीट को बन के लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको मैं जो है क्लियर आउट करने वाला हूँ। आज जो मैं आपको गाड़ी दिखाऊंगा व्हाइट कलर की किया सोनेट ST के प्लस वेरिएंट है। इस गाड़ी के अंदर सीट्स में एयर वे का सेटअप आता है। अब जनरली आप लोग क्या करते हो ना, सस्ते ही चक्कर में या फिर किसी अनप्रोफेशनल जगह से काम करा लोगे, उसके बाद होता क्या है जब भी आपकी गाड़ी में कभी इंपैक्ट पड़ेगा, बोलूंगा नहीं कि ऐसा कभी हो, बट देखो ऑन रोड आप चलते हो ये चीज़ पॉसिबल है कि हो सकती है, तो उस समय आपकी जो सीट है उसमें से एयरबैग डिप्लॉय नहीं होंगे, तो फिर क्या ही फायदा एयरबैग होने या ना होने से। इस गाड़ी के अंदर एयरबैग कंपैटिबल सीट को यहाँ पे सॉल्व किया गया, सेमी अल्ट्रा कंफर्ट सीट को इस गाड़ी के अंदर सॉल्व किया गया, जिसका प्रोसेस इसका फिटमेंट बहुत अमेजिंग निकल कर गया है। एक एक चीज वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा, तो मेक श्योर आप वीडियो के अंदर देना चाहते हैं, आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, इस टाइप और भी अमेजिंग अपडेट्स के लिए। बाकी चलते हैं गाड़ी में, आपको बताता हूँ क्या क्या मॉडिफिकेशन है फाइनली। तो भाई यहाँ पे आप सेटअप देख पाओगे, गाड़ी कितनी प्यारी सी लग रही है भाई, व्हाइट कलर की गाड़ी सोनेट में तो अलग ही लगती है, व्हाइट और ब्लैक का दोनों का जो प्रोफाइल है ना अलग ही तहलका खाता है भाई गाड़ी, ठीक है। मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे अपना जो फ्रंट का हेडलैम्प का यूनिट आता है, हेडलैम्प के सेक्शन में आप क्रोम का एलिमेंट यूज किया गया है, यानी हेडलाइट क्रोम इसे बेसिकली कहते हैं, वो भी लग चुका है। LED का यूनिट इंस्टॉल करवा सकते हो, बट भैया ने फिलहाल तो इंस्टॉल नहीं करवाया। फॉग लाइट में भी इसके अंदर हैलोजन आता है, बट आप लोग चाहते हो तो इसको भी अपग्रेड कर सकते हो। तो मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, तो मॉडिफिकेशन में और भी बहुत सारी चीजें आती है जो कि आप अपनी गाड़ी में करवाते हैं। अब जैसा कि सेटअप आता है, यहाँ पे अपने भाई लोग अंदर की तरफ काम करने में लगे हुए हैं, इंटीरियर में इसमें बहुत अमेजिंग काम हुआ है। पहले बार एक्सटीरियर से आपको पूरा लुक दिखाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर जो रियर में अपना कनेक्टिंग टेल लैंप आता है ना, वो भी इंस्टॉल किया गया, कुछ इस टाइप से उसका पूरा फील आपको मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे जो सेटअप है ना अपना कनेक्टिंग टेल लैंप का, अमेजिंग लगता है भाई नाइट के समय में। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ना क्यूब जैसा बना हुआ मिलेगा, ठीक है, और LED यूनिट होता है पूरा, और ये कनेक्टिंग टेल लैंप आपको कुछ इस टाइप से शो होने वाले हैं। देख लो कितना जबरदस्त और कितना प्रीमियम लगता है। जो चीज़ आपको टॉप मॉडल में नहीं मिलती वो चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। ड्यूअल टोन के साथ अपने अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो रिफ्लेक्टर का यूनिट इंस्टॉल किया गया है, जिसके अंदर आपको सोनेट यहाँ पे व्हाइट कलर में मेंशन होता है, बाकी का जो अपना सेटअप है ये आपको जो है रेड कलर में देखने को मिलता है, और ये मैट्रिक्स में होता है, जब भी आप इंडिकेटर देते हो तो फ्लोट करता हुआ नजर आएगा। अगर आप देखोगे ना तो अपना कनेक्टिंग टेल लैंप कुछ इस टाइप से आपको फ्लोट करता हुआ नजर आएगा, और रिफ्लेक्टर का सेटअप भी अपना इस टाइप से फ्लोट करता है, देख लो कितना प्रीमियम फील आने वाला है। और जनरली अगर आप इसको रियर से देखोगे ना विदाउट इन एक्सेसरीज के, तो थोड़ा सा आपको सुना सुना सा फील होगा, बट यहाँ पे काफी सही लग रहा है। और ये भी भाई अपन लोगों ने इंस्टॉल किया गया यहाँ पे क्रोम का एलिमेंट, ओके भाई। तो यहाँ पे अपना टेल लैम्प का अपना जो क्रोम का सेक्शन है वो, यानी कि ऊपर से लेकर के नीचे तक का पूरा सेक्शन आप यहाँ पे देखोगे तो इस टाइप से पूरा आ रहा है अपना, और एंड टू एंड आपको देखने मिले किया कि लोगों से ऊपर से लेकर के पूरा, और गैलियो का है ना तो आपको एक ब्रांड ट्रस्ट भी यहाँ पे मिल जाता है, क्रोम फेड नहीं होगा, आपको 1.5 साल से 2 साल की इसकी वारंटी देखने मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छा सेटअप होता है, अपनी गाड़ी में इसको इजिली इंस्टॉल करा सकते हो। और सोनेट के अंदर इस चीज़ की ना और इस चीज़ की, यानी कि अपना रियल टेल लैम्प जो कनेक्टिंग टेल लैम्प है उसका और रिफ्लेक्टर का बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। अगर आप लोगों को भी इस चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप इजिली जो है भाई से कॉन्टैक्ट करके मंगवा सकते हो। चलो जी भाई, तो गाड़ी के अंदर भी आ चुके हैं, ज़्यादा टाइम आपका बिल्कुल नहीं लूंगा, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर जो अपना मेन मॉडिफिकेशन का काम था या फिर अपना जो मेन टास्क था वो था इस गाड़ी के अंदर एयरवे वाले सीट कवर्स। इसके अलावा एक सेटअप और यहाँ पे कंप्लीट किया गया था जो था अपना इंटीरियर का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरा जो है ब्लैक कलर का लेदर यहाँ पे चढ़ाया गया इसके ऊपर, यहाँ पे रेड कलर के थ्रेड आपको देखने मिल जाते हैं ना, तो इस तरीके से अपना पूरा इंटीरियर वो रेडी गाड़ी के अंदर, और कहीं ना कहीं ब्लैक कलर और रेड का जो टोन है ना जो थीम है व्हाइट कलर की गाड़ी के साथ बहुत अमेजिंग जचता है। आप लोग क्या कहते हो उसके बारे में कॉमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद एक सेटअप आप यहाँ पे देख पाओ, जैसा मैं आपको बता रहा था सेमी अल्ट्रा कंफर्ट वाले आप एयरबैग वाले सीट को कस्टमाइज होकर के बने। अब इसकी फिटिंग देख लो, बहुत सारे भाई बोलेंगे भाई रिंकल है क्या, तो नहीं है भाई, इसके अंदर जो है पोलोफिन अपना यूज किया जाता है, पोलोफिन के साथ यहाँ पे इसको अल्ट्रा कंफर्ट के साथ बनाया गया है। SRS एयरबैग आपको देखने मिलता है, तो इसका टैग भी यहाँ पे अपना लगा हुआ है। इस कपड़े की लाइफ टाइम आपको वारंटी देखने मिल जाती है कि कभी इन केस अगर आपकी गाड़ी में इंपैक्ट पड़ता है तो यहाँ पे इजिली इस साइड आपका जो है एयरबैग का सेक्शन होता है, तो इजिली यहाँ पे कर्टन वाले एयरबैग इस तरीके से ओपन होता है, और साथ ही इधर की तरफ भी अपना जो है एयरबैग का सेक्शन होता है, तो इस तरीके से अपना एयरबैग जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप देखो आपको SRS का टैग देखने मिल जाता है, और उसके बाद इस तरीके से अपने सीट की पूरी कस्टमाइजेशन करी गई है। आप चाहते हो तो फुल अल्ट्रा कंफर्ट भी बनवा सकते हो, बट इसके अंदर जो है अपना सेमी अल्ट्रा कंफर्ट सीट का यहाँ पे इंस्टॉल किए गए। रियर में भी देख लो भाई, अल्ट्रा कंफर्ट ना जिन भाइयों को थोड़ा सा ऑर्थोपेडिक में रहते ना, जिनको पीठ में कमर में दिक्कत होती है, उनके लिए अल्ट्रा कंफर्ट भाई बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। भाई मैं पर्सनली बताऊँ, मेरी सेंट्रो के अंदर मैंने फुल अल्ट्रा कंफर्ट सीट को यहाँ पे इंस्टॉल करवाए हुए हैं। उससे क्या होता है ना, मेरे बैक में पेन नहीं होता, क्योंकि भाई मेरा काम ही ऐसा
ऐसा दिन भर खड़े रहने का काम होता है, तो कहीं ना कहीं पीठ में दर्द होना है, होना कंपलसरी है। तो यहाँ पे भाई मेरे को जो दिक्कत फेस करनी पड़ती है वो शायद आप भी करते होंगे। तो यहाँ पे अपना जो है सेमी अल्ट्रा कम्फर्ट वाला सीट कवर कुछ इस टाइप से डिजाइन होकर के लगाया बेड के साथ, और एयर बैग का सेक्शन आप यहाँ पे अगेन देख पाओगे। और इसकी फिटमेंट देख लो, बहुत अमेजिंग फिटमेंट है, कहीं से भी आपको रिंकल का सेटअप देखने नहीं मिलता, प्रॉपर आपका एस टू एस फिटिंग आपको इसकी देखने मिल जाती है। बाकी आपके पास ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल है, आप अपनी वीडियोज में देखो, आप कहीं भी देख लो, आपको जो अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करवाना हो आप इजिली यहाँ पे इंस्टॉल करवा पाओगे। बाकी सेक्शन काफी अमेजिंग है, आप लोग क्या कहते हो उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद अपने जो है फ्लोरिंग का सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट किया गया था, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि इस गाड़ी के अंदर फाइनली आज कंप्लीट करी गई है। अब चलते हैं ऑनर के पास, जानते हैं भैया को सारा काम कैसा लगा, वो कितने सेटिस्फाइड एंड 10 आउट ऑफ क्या रेटिंग देंगे, उन्होंने जो भी काम कराया इस गाड़ी के अंदर या फिर एयरबैग का जो सीट का पार्ट है वो उनका एक्सपीरियंस कैसा है, चलते हैं ऑनर के पास और जानते हैं सारी चीजें। तो फाइनली अपनी किया सोनेट एसटी के प्लस वेरिएंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसा कि इस गाड़ी के अंदर आप सभी भाइयों को पता है, मैं भी वीडियो में बता रहा हूँ, किशन भाई ने आपको काफी सारी चीजें बताई कि इस गाड़ी के अंदर ना स्पेशली कंपनी की तरफ से इसके अंदर सीट के अंदर एयरबैग आता है, तो अगर आप नॉन एयरबैग सीट कवर लगवाते हो उससे आपको इन फ्यूचर जाकर के दिक्कत हो सकती है। तो अपने भाई ना सीट कवर में एयरबैग वाले सीट कवर कस्टमाइज करने में तो भाई नंबर वन है, ऑन यूट्यूब वगैरह मैं बात करूँ काफी अच्छी तरीके से आप लोगों के लिए जो है मेहनत करके सीट कवर डिजाइन करके यहाँ पे देते हैं। पहले वाली अपने किया सोनेट की जो वीडियो है वो भी काफी चली थी, और जो भैया है वो स्पेशली राजस्थान बीकानेर से है, तो बहुत दूर से ट्रस्ट करके आए आपके पास और एसटी के प्लस वेरिएंट लेकर के आए थे। तो पहले तो जानते भैया से एक बार नाम बता दीजिए अपना। अभी 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 अपना नाम राजवीर भैया। तो भैया बीकानेर से आने का प्लान कैसा बन गया भाई के लिए? ठीक है भैया, ओके। तो बीकानेर से कितना किलोमीटर पड़ता है? 600 किलोमीटर वन वे भैया, आने आने का? आने आने का क्या बात है जी, मतलब 1200 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके भी आए। तो आप आने के बाद जो आपने सीट कवर में काम करवाया, इंटीरियर में काम कराया, पीछे कनेक्टिंग टेल लैंप आपने लगवाया, कैसा लगा सारा प्रोफाइल आपको? जैसा वीडियो में था उससे कुछ बेटर देखने को मिला है, सीट कवर में बैठ के देखा कंफर्ट ऐसा फील हो रहा है जैसे घर पे सोफे पे बैठे हो अपन, गाड़ी जैसे चलाई दे रही है भाई, आराम से रिलैक्स होके बैठे हैं, आराम से गाड़ी चल रही है। ठीक है भैया, पूरा कंफर्ट है रियर में? क्या बात है जी, ये अल्ट्रा कंफर्ट की सीट करके ना अपने आप में खासियत होती है। किशन भाई आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर? सिर्फ एक चीज पूछूंगा, जो बिलीव लेके आए थे 1200 किलोमीटर ट्रेवल करने का, क्योंकि देखो 1200 किलोमीटर ट्रैवल करना आसान नहीं है, आना जाने में लगभग 14-15 घंटे लग जाते हैं। सही बात है जी, सही है। और वो लेके आए थे क्या, वही बिलीव भैया लेके जा रहे हैं? बहुत धन्यवाद। कितनी वारंटी मिली सीट कवर की आपको? लाइफ टाइम। जब आप आए थे क्या रेडी रखे हुए थे सीट कवर? नहीं भाई साहब, आपने बनाए हैं, सामने में बने हैं, फिर लगे बैठने के बाद जो कंफर्ट मिल रहा है ना, इसका एक सिंगल रीजन है अपनी मैन्युफैक्चरिंग, जो बेस्ट क्वालिटी आता है, बेस्ट से बेस्ट वो क्वालिटी आपको इसमें दी जाती है। यही रीजन होता है, सिर्फ गाते नहीं है लाइफ टाइम एक्चुअल कपड़ा है, एक्चुअल फील है जो आपको लाइफ टाइम वारंटी के तौर पर मिलता है। और यही सीट कवर आप जब कंपेयर करोगे मार्केट से ना, बहुत डिफरेंस आ जाता है। सेम मरीनो में भी ऐसी सेम सीट कवर लगे और इसमें भी लगी है। ठीक है जी, पहले भी आप चैनल पे देख चुके होंगे, एयरबैग वाले हमेशा से आपको पूरी प्रॉपर सिलाई के साथ आपको दिया जा रहा है, वही चीज लगी है। ठीक है जी, बाकी एक और चीज बोलूंगा भैया, पूछूंगा आपसे एक्चुअल में, कि अगर कोई भाई आके आपकी वीडियो देख के अगर आना चाहता है वो लगवा सकता है इस काबिल? हमने तो भाई साहब आना मतलब कि आंखें बंद करके आ सकता है, हम तो पहली बार आए सीधा आपके पास, ये आपने बिल्कुल कंफर्ट एकदम बढ़िया फैंटास्टिक काम कंफर्म भैया, कंफर्म बहुत 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 बहुत।